बेबे आप परी से इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं क्यों नफरत करूंगी? अरे वो इस घर की होने वाली बहू है। अगर इतना ही प्यार करते हो तो उसे फिर से मारने की कोशिश क्यों की आपने? मेरा ही पैर फिसला था, बेबे ने कुछ नहीं किया। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम वहां से फिसली कैसे, क्योंकि तुम वहां से फिसली थी नहीं, किसी ने तुम्हें धक्का दिया था। आपके हर काम में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ मैं। परी, राजीव और नीति की पलटने वाली है जिंदगी, आने वाला है शो में बड़ा ट्विस्ट। हाय गाइस, मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। दरअसल बात हो रही है कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल परी नीति की। पहले तो हम काफी समय से यही देखते रहे कि किस तरीके से परी, राजीव, नीति एक साथ एक घर में रहते हैं। नीति ने कई बार शिकायत करी, परी नहीं चाहिए, एक छत के नीचे मैं नहीं रह सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है नीति ने एक बड़ा कदम उठाया, राजीव से डाइवोर्स ले लिया। राजीव ने परी को समझाया, परी बिल्कुल नहीं मानी, और अब जब डाइवोर्स हो चुका है तो यहाँ पर राजीव को लगा कि यार परी की इसमें क्या गलती है, अब मैं परी से शादी कर लेता हूँ, जो उसके हक है, क्योंकि राजीव ने परी से धोखे से शादी भी करी थी उसकी जमीन हड़पने के लिए। तो राजीव को अब रियलाइज हो रहा है कि यार परी मेरे घर वालों के लिए इतना कुछ करती आई है, तो अब ये सब कुछ परी डिजर्व करती है, तो मैं परी का साथ दूंगा। परी को क्या हुई, आँख क्यों नहीं खोल रही? परी की होया ती, प्लीज आके खोल दी। कोई बात नहीं, परी परी आके खोलो, परी परी उठ जाओ, जाओ 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 परी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जा आराम से, आराम से। कोई बात नहीं, परी 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 कोई बात नहीं, सब लोग यहाँ पे देखो, तुम ताईजी, ताऊजी, मम्मी, सब लोग हैं, सब लोग ठीक हो गए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर परी और राजीव इस उस पे निकलते हैं निष्कर्ष पे कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीति आती है परी के पास कि नहीं नहीं, तू शादी मत कर, तू महान बनकर दिखा। लेकिन परी कहती है अब तो ये शादी मैं नहीं रोकूंगी, ये शादी होके रहेगी। तो नीति भी कहती है चलो ठीक है, देख लेते हैं ये शादी होगी या फिर नहीं, क्योंकि नीति के मन में तो कुछ प्लानिंग चल ही रही है। उसे ये भी भरोसा है कि राजीव मेरा ही है और मेरे पास ही आएगा, मुझसे बहुत प्यार करता है। अब परी को रास्ते से हटाने के लिए नीति देने वाली है परी को धक्का, घर वालों को भी जो है पागल बना रही है। और यहाँ पर सवाल ये है क्या परी मर जाएगी या फिर इस बार भी वो बच जाएगी, और नीति जो है परी और राजीव की जिंदगी से कब जाएगी? या तो तुम आ जाओ या तुम पूरे चले जाओ। अब यहाँ पर बीच का एक खेल जो चल रहा है ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है। वैसे आप क्या कहते हैं सीरियल के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी राय, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।